क्या हो गया? इस तरह की आवाज करके बंद हो रही है। देर में, देर में थोड़ी है। अरे एक्सेलेटर दे। अरे अभी जस्ट रिजर्व में कैसे लगे, दलान पे खड़े, इसलिए तेल तो कम नहीं हो गया अचानक से। एक्सेलेटर दे, पैक बंद कर। हाँ अब कर स्टार्ट। क्या हो गया? उतर एक बार, उतर, मैं देखता हूँ थोड़ा इसको एक बार। एंड ब्रेक हटा और वो ढलान में हटा रखे, ढलान में मैं धक्का मारता हूँ। ये देखो यार धक्का मार। अब देख, अब स्टार्ट कर। इंजन साइन भी आ गया इसमें तो। यार ये क्या हुआ अचानक से आज? यार एक बार इधर साइड में कर इसको। यार अचानक से भाई आज तो पता नहीं क्या हुआ, मैं लॉन्ग ड्राइव से आ रहा था और अचानक से जस्ट अभी गाड़ी यहाँ पे, मेरे को दूसरी साइड जाना था और अब गाड़ी ये इस तरह से कर रही है। यार कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। पेट्रोल, एक मिनट रुक जा, बोनट खोलना। डीजल भी मतलब अभी तक कोई साइन नहीं आया था, डीजल तो इसमें था ही। अब जैसे ढलान पे खड़ी करी तो इसमें ये सब हो गया भाई। अभी इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप लोगों को मैंने कहा तुरंत पहले मैंने कैमरा ओपन किया और यार एक बार इसका वो खोलना, पकड़ना फोन, इसको नीचे से वो एक होगा हुक, तो दबाना है कि? हाँ दबाना है। रुक जा मैं करता हूँ, फोन पकड़ एक बार। इसको ये दब गया, हुक तो यही है। इसको ऐसे कर, थोड़ा साइड में आएगा, फोन पकड़। क्या यार अचानक से ऐसी ऐसी दिक्कतें धनों में। क्या हीटिंग भी तो, हीटिंग थोड़ी दिखा रहा है। पता नहीं इंजन का साइन दिखा रहा है, इंजन का साइन दिखा रहा है, इसमें थोड़ी सी हीट हो रही है। इसको थोड़ा देर या तो खुला छोड़ दो, थोड़ा खुला छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे हीट तो नहीं हो सकती गाड़ी ज़्यादा, तो चले ही नहीं। लाइव मेरे को दे, दो पाँच मिनट रुक जाओ। ये एक बार इस गाड़ी को यहीं साइड में खड़ी करके एक बार, कैसे मेरे अंदर काम था, कहीं आया था मैं यार सामने फैक्ट्री में और अचानक से भाई ये हो गया। चलो भाई क्या करें, अब इसके साथ क्या कर सकते हैं। महिंद्रा आरएसए को फ़ोन करें या किसको फ़ोन करें, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब देख लो बैटरी का भी इशू नहीं है आज तो, मुझे ऐसा लग रहा है बैटरी का भी कोई इशू नहीं है। और पिकअप नहीं होती, एक बार फिर से करते हैं। ये देखो आपके सामने फिर से। हाँ कर कुमार, अब स्टार्ट हो गई। वो उसी का हीट का प्रॉब्लम था, हीटिंग प्रॉब्लम नहीं थी, ये मुझे लग रहा है डीजल का प्रॉब्लम था। अभी मुझे लग रहा था डीजल का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ढलान पे खड़ी थी और इसका डीजल शायद वो उससे हट गया होगा इधर, मतलब ढलान पे खड़ी थी तो डीजल कम हो गया होगा और उसमें सप्लाई नहीं हो रहा था, और शायद हीटिंग का भी हो सकता, मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं है। लेकिन भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है बोलेरो नियो में भाई, और मैं अभी आ रहा था लगभग 300 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव से आया था, सीधा मैं यहाँ पर आया और गाड़ी को मैंने देखो वहाँ पर थोड़ा ढलान है ना वहाँ पर खड़ा किया था और इसके साथ ये समस्या आ गई। तो भाई सतर्क रहो, सावधान रहो महिंद्रा, और हमारी भी पता नहीं मेरी गलती है या किसकी गलती है। पता नहीं भाई मेरी गलती है या महिंद्रा की गलती है या इंजन की गलती है, अब तो सर्विस सेंटर वाले जाने। अपन अभी स्पीति ट्रिप करके आए हैं इसके साथ, तो कहाँ से क्या हो सकता है। बाकी अभी तो स्टार्ट हो गई यार, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी देसी रफ एंड टफ स्टार्ट तो हो गई। क्या कर सकते हैं भाइयों, अगर ऐसी आपके साथ हो जाए तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ अभी तो अभी कोई साइन नहीं आ रहा इसमें, अभी एकदम ओके है, कोई साइन नहीं आ रहा, और ना ही रिजर्व का आ रहा है कि गाड़ी में डीजल नहीं है। आप देख सकते हो गाड़ी में अगर डीजल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता ना, तो इसमें डीजल का आ रहा है ना अभी इंजन उसका आ रहा है, गाड़ी इंजन लाइट आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये क्यों हुआ है इसका कोई अभी तोड़ नहीं है भाई। जैसे अपनी बीमारी हो जाती है ना अचानक से,
हार्ट अटैक से पहले कुछ झटके वगैरह आ जाते हैं, तो क्या पता वो तो नहीं है इसके साथ। चलो अभी इसका खुलासा करेंगे आगे महिंद्रा के साथ, महिंद्रा सर्विस सेंटर हो जाएगा। भाई घुमा घुमा उधर खड्डा। चलो अभी काम कर लेते हैं जिस काम से आए हैं, बाकी स्टार्ट हो गई। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद यार महिंद्रा को, मेरी धनों को दूंगा, महिंद्रा को क्या दूं। महिंद्रा के पास जाके तो पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और उसका शायद वीडियो मैं बाद में दूं या क्या दूं, वो तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ उधर से धन्यवाद आप। मेरा काम है कि मैं महिंद्रा अपनी बुलेरो नहीं अपन यूज कर रहे हैं, यू तो अपना जो है जेन्युइन रिव्यू देना डेली, अपन तो वही काम करते हैं आपके लिए बना के दे देते हैं। चलो है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।